तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ गूगल क्रोम के, या भी बोल सकते हैं एंड्रॉइड में जो गूगल क्रोम ब्राउजर होता है दोस्तों, उसके अंदर के नए फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिए गए हैं। फिलहाल ये कुछ बीटा यूजर के लिए आए हैं और कुछ सभी यूजर के लिए आ चुके हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। क्या क्या ये फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो फीचर्स दिया है वो ये है कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टैब को खोलते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत सारी टैब खोल रखी हैं, तो अब आप उनको जैसे कि कॉलाज करते हैं, जैसे कि एक के अंदर एक यहाँ पर आप डालते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर आप उसको नेम दे सकते हैं। कैसे कि ये जैसे कि आपने यहाँ कॉलाज कर लिया है, तो आप यहाँ पर इन टैब्स का नाम दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे, या इम्पोर्टेंट या जो भी आपके काम के हैं, आपने उसका नाम दे दिया टैब्स का, तो ये टैब्स वहाँ पर ऐसी हो जाएंगी। और जब भी आपको इसको स्विच करना हो तो यहाँ पर आप खोलने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे इसके थ्रू यहाँ पर स्विच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर वो ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड फीचर बताने वाला हूँ वो है इनकन्वीनियंट मोड को लेके, या फिर बोल सकते हैं प्राइवेसी मोड को लेके। अगर आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर अगर जैसे आपने न्यू टैब खोला, यहाँ थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ न्यू इनकम्युनिटेड टैब मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप चीज़ यहाँ पर खोलेंगे तो वो अलग ही प्राइवेसी रहती है, वो हिस्ट्री में सेव नहीं होती। यहाँ पर आपको एक नया फीचर दे दिया गया है, तो उसके लिए आपको वापस यहीं जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद नॉर्मल में आना है, पहले तो उसको ऑफ कर देना है ताकि आप नॉर्मल पे आए। नॉर्मल में आने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पर जाना है, यहाँ जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक इन कॉन्टेटिव टैब व्हेन यू लीव क्रोम। आपको इसको ओके करके अपना थंब और अपने इससे लॉग इन कर देना है, ऑन कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी आप इन कम्युनिटेड मोड टैब खोलेंगे, और यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर खोला गूगल, यहाँ पर google.com खोल लिया, ठीक है। गूगल खोलने के बाद और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जब मैं दोबारा खोलूँगा तो वो मुझसे अनलॉक करने के लिए मेरा पासवर्ड मांगेगा, तो ही अनलॉक करेगा। मतलब कि जो भी आप इसमें खोलोगे वो पूरी तरह से प्राइवेट रहने वाला है, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड फीचर बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं आपको नॉर्मल डिस्प्ले ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद लाइक मैंने यहाँ पर सर्च मारा गूगल, ठीक है, मैंने गूगल के अंदर ही गूगल को सर्च मारा। गूगल को सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर ये वाला पेज खोल लिया एक, और उसके बाद ये वाला पेज खोल लिया, ठीक है। ये दो पेज मैंने खोले, और यहाँ पर मैंने सर्च करा था गूगल फोटोज बीटा टेस्टर। अब इसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है, और यहाँ हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो आपको एक यहाँ पर कमाल का एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि है जर्नी नाम से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जर्नी नाम से कैसे काम करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर गूगल फोटोज़ बीटा टेस्टर सर्च मारा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो बताएगा कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट को खोला है उसके थ्रू। मतलब जो भी आप गूगल में सर्च मारेंगे और उसके थ्रू आप 3 से 4 5 5 वेबसाइट खोलते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड, तो सब आपको यहाँ पर जर्नी में बताने वाला है, ताकि आप उसका बाद में अच्छे से यूज़ कर सकें जैसा कि आपको वहाँ पर नीडेड हो। तो ये यहाँ पर फोर्थ या थर्ड फीचर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर दिया है कि अगर आप यहाँ पर कोई वेबसाइट को खोलते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लॉक पे क्लिक करेंगे। लॉक पे क्लिक करने के बाद वो आपको बताएगा कि इस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिल रहा है, जैसे कनेक्शन सिक्योर्ड है, परमिशन क्या ली गई है, माइक्रोफोन को अलाउड किया गया, कुकीज़ एंड हिस्ट्री, और यहाँ पर सब चीज़ें आपको लास्ट आपने कब विजिट किया था यहाँ पर सब मिल रहा है। और अगर आपको देखना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बारे में सब आपको मिल जाएगा। और भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको उसके वहाँ पेज पे भी ले जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया नया सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये फीचर भी यहाँ पर एड ऑन किया गया है। दोस्तों ये नए फीचर्स एड ऑन किए गए थे गूगल क्रोम में आफ्टर नए अपडेट्स के बाद। इसमें और भी नए नए चेंजेस किए गए हैं, जो कि मेरे पास अभी रिसेंटली मेरे मोबाइल के अपडेट्स में नहीं आया है। फिलहाल वो पिक्सा यूजर वाले एंड्रॉइड, या बोल सकते हैं एंड्रॉइड 14 जिनके पास है, उनके पास आ चुके हैं। ये जो है इनके था एंड्रॉइड 13 में, या बोल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी में, सब में रोल आउट हो चुके हैं, जो कि अच्छे खासे फीचर्स हैं। गूगल क्रोम हर कोई यूज़ करता है, तो उनको ये वाले फीचर्स पता होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।
तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे मिले ले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।